आज सोन का बर्थडे है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली ने सुबह से ही सोन को बर्थडे विश नहीं किया है। शायद गुल्ली और बुल्ली को याद ही नहीं है कि आज सोन का बर्थडे है। इसी पास से सोन काफी उदास होकर इधर उधर घूमने में लगा हुआ है और ये घूमते घूमते झंडू अंकल की दुकान के पास आ जाता है। जैसे ही झंडू अंकल सोन को देखते हैं तो झंडू अंकल को समझ नहीं आता है कि आखिर सोन इतना उदास क्यों है और वो इधर क्यों आ रहा है। जैसे ही सोन झंडू अंकल के पास आकर खड़ा होता है तभी झंडू अंकल कहते हैं, अरे सोन इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से सब्जियां फ्री में ले जा सकते हो, मेरा मतलब है कि पैसे बाद में दे देना, तो बताओ तुम्हें क्या क्या लेना है। झंडू अंकल की बात सुनते ही सोन कहता है, मुझे आपसे कोई सब्जियां नहीं लेनी है, दरअसल आज मेरा बर्थडे है और गुल्ली और बुल्ली ने मुझे सुबह से ही बर्थडे विश नहीं किया है, इसलिए मुझे गुल्ली और बुल्ली पे गुस्सा भी आ रहा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन दोनों से दोस्ती ही तोड़ दूं, क्योंकि ऐसे दोस्त रहने का क्या फायदा है जो कि बर्थडे विश भी ना करे। वो दोनों तो सिर्फ अपने बर्थडे पे मुझसे गिफ्ट मांगते हैं और मेरे बर्थडे में तो मुझसे मिलते भी नहीं। सोन की बात सुनते ही झंडू अंकल कहते हैं, अरे नहीं नहीं गुल्ली बुल्ली तुम्हारा बर्थडे नहीं भूल सकते सोन, वो दोनों तो मेरा बर्थडे भी याद रखते हैं, तो तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल जाएंगे। झंडू अंकल की बात सुनते ही सोन कहता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि गुल्ली और बुल्ली को मेरा बर्थडे याद है तो फिर गुल्ली और बुल्ली ने मुझे सुबह से अभी तक विश क्यों नहीं किया है, और अब तो रात होने वाली है, कुछ देर के बाद मेरा बर्थडे भी खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर झंडू अंकल कुछ सोचने लग जाते हैं। तभी सोन कहता है कि झंडू अंकल आप क्या सोच रहे हैं। झंडू अंकल कहते हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब गुल्ली बुल्ली को मेरा बर्थडे याद रहता है और मेरे बर्थडे पे उन लोगों ने मुझे ये कपड़े गिफ्ट किया है जो मैं पहना हूँ, तो गुल्ली बुल्ली तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल जाएंगे। तभी सोन को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही सोन पीछे पलट कर देखता है तो अरे ये क्या, यहाँ पर तो गुल्ली बुल्ली आ गए। गुल्ली कहता, अरे सोन तुम हम लोगों से डर क्यों रहे हो, हम लोग कोई जानवर थोड़ी ना है। लेकिन सोन गुल्ली के इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी बुल्ली कहता है, अरे सोन तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम झंडू अंकल से सब्जियां लेने आए हो। गुल्ली की बात सुनते ही सोन कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरा मूड पहले से ही काफी ज्यादा खराब है, मैं तुम लोगों से कोई बात करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तुम दोनों पे गुस्सा आ रहा है। और इधर अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली की जीप लेकर अज्जू भाई कहाँ जा रहे हैं, और आखिर गुल्ली और बुल्ली ने अज्जू भाई को अपनी जीप क्यों दी है। और फिर थोड़ी देर के बाद अज्जू भाई उसी जगह पर आकर अपनी जीप को रोक देते हैं जिस जगह पे गुल्ली बुल्ली और सोन खड़े थे। लेकिन अज्जू भाई को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गुल्ली बुल्ली और सोन झंडू अंकल के पास आकर क्या कर रहे हैं, इन लोगों को यहाँ पर कौन सा काम है। यही बात अज्जू भाई इन लोगों से पूछते हैं और अज्जू भाई ये भी कहते हैं कि गुल्ली और बुल्ली जल्दी चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को लेकर तुम्हारे घर चलता हूँ, उसके बाद तुम लोग कपड़े बदल कर आ जाना, फिर हम लोगों को मिल जाना है। अज्जू भाई की ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है, अरे अज्जू भाई आपने यहाँ आने में देर क्यों कर दिया। अज्जू भाई कहते हैं कि वो तो मैं घर में अच्छे से रेडी हो रहा था इसलिए मुझे आने में लेट हो गया, लेकिन वो सब छोड़ो तुम लोग भी अब रेडी हो जाओ क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अज्जू भाई की बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे अज्जू भाई आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी रात के 12 बजने में बहुत ही ज्यादा टाइम है। बुल्ली की बात सुनते ही गुल्ली कहता है कि वो सब छोड़ो बुल्ली, तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिर कौन से कपड़े पहनोगे। अरे गुल्ली क्या तुम्हें याद है कि हम लोगों ने पिछली बार केक वाले कपड़े लिए थे और दुकानदार ने कहा था कि ये कपड़ा बर्थडे पे ही पहना चाहता है इसलिए हम लोग वही कपड़े पहनेंगे। इतना कहने के बाद बुल्ली अज्जू भाई की तरफ मुड़कर कहता है कि चलिए अज्जू भाई हम लोग अपने घर चलते हैं। ये बात सुनते ही अज्जू भाई कहते हैं, अरे चिमकांडी मैं तो तुम लोगों को कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग तो अपने साथ साथ मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम लोग तो समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो, चलो जल्दी से आकर जीप में बैठो क्योंकि मुझे अभी याद आया है कि हम लोगों को रायस्टार को लाने के लिए भी जाना है। अज्जू भाई की बात सुनने के बाद बुल्ली कहता है, ठीक है अज्जू भाई हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली जीप में बैठने के लिए जाने लग जाते हैं और सोन इन लोगों को देखता रह जाता है। तभी सोन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो और तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो कुछ बताने का नाम भी नहीं ले रहे हो, और आखिर तुम लोग कपड़े बदलने के बाद मिल क्यों जाओगे, वहाँ पर तुम लोगों को क्या काम है। देखो मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग देते हुए कह रहा हूँ कि तुम लोग जो भी कर रहे हो चुपचाप मुझे सारा कुछ बता दो और तुम लोग अपने साथ मुझे भी लेकर चलो, वरना मैं तुम लोगों से कभी भी बात नहीं करूंगा। लेकिन सोन की ये सारी बातें सुनने के बाद भी अज्जू भाई जीप को स्टार्ट कर देते हैं और गुल्ली बुल्ली भी सोन पे जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं और फिर ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि गुल्ली और बुल्ली अंदर ही अंदर सोन से काफी ज्यादा गुस्से में हैं और इसलिए ये लोग सोन से किसी चीज का बदला ले रहे हैं। लेकिन जब गुल्ली और बुल्ली सोन को इग्नोर करके चले जाते हैं तो सोन कहता है कि देखा झंडू अंकल गुल्ली बुल्ली ने क्या किया। तभी झंडू अंकल कहते हैं कि हाँ हाँ मैंने देखा लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, गुल्ली बुल्ली ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे सोन जरा पीछे पलट कर देखो, कोई इधर ही आ रहा है। झंडू अंकल की ये बात सुनने के बाद जैसे ही सोन पीछे पलट कर देखता है तो सोन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आखिर सोन ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर सोन खुश हो रहा है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो आइसक्रीम मैन का बेटा चुन्नी आया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया हुआ है। और फिर थोड़ी देर के बाद चुन्नी अपनी बगी को सोन के पास रोक देता है और फिर चुन्नी कहता है, चलो सोन मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम्हें काफी मजा आएगा। ये बात सुनते ही सोन चलकर बगी में बैठ जाता है और फिर चुन्नी बगी को स्टार्ट कर यहाँ से जाने लग जाता है। पता नहीं चुन्नी सोन को लेकर कहाँ जा रहा है, लेकिन जो भी हो सोन तो अपने मन में ये सोचने में लगा हुआ है कि आखिर गुल्ली बुल्ली और सारे लोग मिल क्यों गए, आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है।
इधर अरे ये क्या, सारे क्रिमिनल मिल को अच्छे तरीके से सजाने में क्यों लगे हुए हैं? लगता है आज यहाँ पर किसी का अड्डे बड्डे होने वाला है और उसी की तैयारी ये सारे मिलकर कर रहे हैं। पर्पल क्रिमिनल तो बलून सजाने में लगा हुआ है और सारे बलून को इसने ही सजाया है। और अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल क्या करने में लगा हुआ है? ये तो झाड़ू पोछा करने में लगा हुआ है। और इधर ब्लू क्रिमिनल भी दूसरे साइड बलून सजाने में लगा हुआ है। आज ये पूरा का पूरा मिल इन लोगों ने मिलकर सजा दिया है और ये लोग अभी भी अपने काम पे लगे हुए हैं। और अरे ये क्या, येलो क्रिमिनल तो गाड़ी के ऊपर चढ़कर बलून को लगाने में लगा हुआ है। तभी येलो क्रिमिनल कहता है कि मैंने सारा काम कर दिया है और अब ये मिल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, मैंने भी सारा काम कर दिया है और मैंने तो रेड ड्रम को भी लाकर यहाँ पर रख दिया है, बस अब सारे लोगों को यहाँ पर आने दो। जैसे ही ग्रीन क्रिमिनल ये कहता है कि तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं। अज्जू भाई तो अपने और गुल्ली बुल्ली के साथ राइस्टार को भी लेकर आए हैं, लेकिन पता नहीं आज यहाँ पर किसका बर्थडे होने वाला है, सारे लोग तो यहाँ पर आ ही चुके हैं। तभी सारे क्रिमिनल गुल्ली बुल्ली, राइस्टार और अज्जू भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन आखिर आलोक कहाँ है, आलोक यहाँ पर क्यों नहीं आया? और इधर सारे लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के बाद एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। तभी अज्जू भाई कहते हैं कि अरे अभी तक यहाँ पर केक नहीं आया, आइसक्रीम एंड रोड आखिर है कहाँ? उसे तो मैंने केक लाने को कह दिया था। अज्जू भाई की बात सुनने के बाद ग्रीन क्रिमिनल कहता है कि नहीं नहीं अज्जू भाई, अभी तक यहाँ पर रोड केक लेकर नहीं आया है, हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए, शायद अब वो आता ही होगा। तभी गुल्ली कहता है, वो सब छोड़ो, तुम लोगों ने मील को काफी अच्छे तरीके से सजाया है और रेड क्रिमिनल ने तो पूरा मील को चमका ही दिया है, साफ सफाई करना तो कोई रेड क्रिमिनल से सीखे। तभी येलो क्रिमिनल कहता है कि देखो आइसक्रीम एंड रोड केक लेकर यहाँ आ गया है। अरे ये क्या, आइसक्रीम रोड तो केक लेकर काफी तेजी से आ रहा है, रोड को ये लग रहा है कि ये लेट हो चुका है और अब गुल्ली बुली और सारे लोग इसे डांटने वाले हैं। थोड़ी देर में रोड ड्रम के ऊपर केक को रख देता है। तभी गुल्ली कहता है, केक तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन तुमने आने में देर क्यों कर दिया? हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आखिर तुम रह कहाँ गए थे? अरे गुल्ली, मैं इस केक को काफी ज्यादा टेस्टी बनाना चाह रहा था, इसलिए मुझे इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लग गया, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। ग्रीन क्रिमिनल कहता है कि इतना छोटा केक तो मैं अकेला ही खा जाऊंगा, तुम्हें और बड़ा केक लाना चाहिए था, तुम बहुत छोटा केक लेकर आए हो। तभी राइस्टार कहता है कि अरे पागल, केक तो सिर्फ टेस्ट के लिए ही होता है, क्या तुम्हें इसे खाकर पेट भरना है? केक छोटा है तो क्या हुआ, टेस्टी तो है ना। तभी अज्जू भाई रोड से कहते हैं कि अरे रोड, तुम्हारा बेटा चुन्नी कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ आने वाला था, लेकिन वो आया क्यों नहीं, क्या तुमने उसे नहीं लाया? रॉड कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या चुन्नी अभी तक यहाँ नहीं आया? मैंने तो उसे कब का यहाँ पर भेज दिया है, वो तो एक घंटे पहले ही फैक्ट्री से अपनी बग्घी लेकर निकला था और उसने मुझसे कहा था कि मैं मिल जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं? मुझे तो अब काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि चुन्नी किसी मुसीबत में फंस चुका है, उसके पास तो कोई मोबाइल भी नहीं है कि हम लोग उससे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आखिर वो कहाँ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चुन्नी कहाँ गया होगा? और चुन्नी तो अपने साथ सोन को भी कहीं लेकर गया था, और आखिर यहाँ पर किसका बर्थडे का तैयारी हो रहा है और यहाँ किसका बर्थडे होने वाला है? कहीं आज यहाँ चुन्नी का बर्थडे ही तो नहीं होने वाला? ये सारा कुछ हम लोग पार्ट टू में देखेंगे। अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें।